RRC and RAR instruction 8085 microprocessor unit. RRC means to say rotate accumulator right, यानी accumulator के डाटा को bits को right में rotate करवाना. And RAR मतलब rotate accumulator right through carry, यानी carry के साथ अपने accumulator की bits को right में flow करवाना. जैसे कि हम assume करते हैं हमारे रजिस्टर जो हमारा A है, A रजिस्टर में हमारा 81 बिट्स पड़े, 81 डाटा पड़ा है, यानी 81 डाटा जिनको हम डिनोट करते हैं 1000001, 8 मतलब 100 जो बाइनरी में डिनोट किया गया है, 1001 जो 1 को डिनोट करता है. इस डाटा को हमने एक्यूमुलेटर में क्या करना है, राइट को शिफ्ट करवाना है. ये हमारा जब हमारी इंस्ट्रक्शन नहीं हुई है एक्यूमुलेटर, ये हमारा डाटा है जो कि एक्यूमुलेटर में पड़ा है, जो कि 1000800001 को शो कर रहा है. इस टाइम कैरी जीरो है, यानी कि रीसेट है, इस टाइम पे कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं हुई है. जब आरआरसी यानी रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट इंस्ट्रक्शन के होती है, तो हमारा डाटा D7 से D नोड की तरफ मूव करता है. D हमारे जो बिट्स को शो कर रहा है, यानी कि हमारा डाटा D1 से D0 की तरफ फ्लो करेगा, D2 से D1 की तरफ, इसी तरह ही वो लेफ्ट से राइट की तरफ 1 बिट फ्लो करता रहेगा. और ये तो हमारी बिफोर इंस्ट्रक्शन है, अभी हमारा डाटा रोटेट नहीं हुआ है, तो हमारी ये 81 अभी स्टोर है हमारे एक्यूमुलेटर में. लेकिन जब ये फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जब फर्स्ट रोटेशन होती है, तो हमारा 1 जो कि पहले हमारा यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 आ जाता है, एक 1 यहाँ पे चलाता है. और सेम हमारी रोटेशन स्टार्ट होती है, D1 से D नोड की तरफ डाटा फ्लो करता है, D2 से D1 की तरफ, इस तरह से 1 बिट फ्लो करती है. और हमारा जो D7 होता है, यहां से जो 1 हमारा कैरी में गया था, वही 1 हमारा D नोड से D7 में जाएगा, वही हमारा D1 D नोड से D7 में जाता है. और इस तरह से ये 1 रोटेट होता है, यानी रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट. एक्यूमुलेटर का डाटा, इसमें सिर्फ एक्यूमुलेटर का डाटा रोटेट होता है, यानी जो एक्यूमुलेटर में है. कैरी का सिर्फ डी नोड जाता है, और डी नोड का जो 1 था वो कैरी में चला गया, और वही 1 था वो हमारा D7 में चला गया. दोनों में 1 जाता है और बाकी 1 शिफ्ट हो जाते हैं. और हमारे पास जो डाटा आया है, इसमें आया C0, यानी कि ये हमारे पास 1100C है और ये 0. ये तो था हमारा RRC. नेक्स्ट है हम RAC. RAC मतलब रोटेट एक्यूमुलेटर राइट थ्रो कैरी, यानी कैरी के साथ हमने एक्यूमुलेटर को रोटेट कराया, उसमें कैरी के बिना करवाया था. इसमें क्या करना है, जैसे कि हमारे बिफोर इंस्ट्रक्शन 81 हमारा डाटा पड़ा है, 8, ये 8 है और ये 1 है. अगर हम कैरी के साथ यानी RAR इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, तो इसमें क्या होता है, डाटा राइट की तरफ रोटेट करेगा. डी नोड में जो ये है 81 है, इस टाइम पे हमारी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुई है. जब हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, जब हमारी फर्स्ट RRC एग्जीक्यूशन होती है, तो डी नोड हमारा यानी जो 1 था वो हमारा कैरी में जाता है, D1 हमारा डी नोड में फ्लो करता है, और इस तरह से हमारा डाटा लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो करता है. और इसके बाद जो D7 में जो डाटा, जो बिट आएगी, वो हमारी कैरी की आएगी, यानी कि जो हमारा RRC था उसमें D7 में जो बिट आ रही थी वो D नोड से आ रही थी, और इसमें हम कर रहे हैं रोटेट एक्यूमुलेटर थ्रो कैरी, यानी इसमें जो बिट जाएगी वो कैरी से जाएगी, जो कैरी में है वो जाएगी इसमें. और इसके बाद 1-1 शिफ्ट हो जाएगा, हमारे पास जो डाटा आएगा वो है 40. ये है हमारा 4 और ये है हमारा 0, और इस तरह से हम इसे राइट शिफ्ट करते हैं, थ्रो कैरी और विदाउट कैरी. और इस तरह से हम अपनी सेकंड शिफ्ट भी कर सकते हैं, थर्ड शिफ्ट भी कर सकते हैं, जितना हम चाहें अपने इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हैं.